अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों थ्री लेयर कैप वाला स्कार्फ बनाना सीखते हैं। दोस्तों इसकी लेंथ 15 इंच है, साइड में आपका लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। टेप को आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा, 15 इंच पे आप निशान देते जाइएगा, फिर सारे निशान को इकट्ठा करके अब कटिंग कर लीजिएगा। मेरा पहले से ही कटा हुआ है दोस्तों, आपको मैं दुपट्टा में दिखा रही हूँ, उसको भी मैंने दुपट्टा में ही बना रखा है। इस तरह से दुपट्टा को फोल्ड कर लीजिएगा। इसकी लेंथ है दोस्तों 14 इंच, फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 7 इंच बैठेगा। इसकी चौड़ाई है दोस्तों 6 इंच, अब मार्जिन आधा इंच बढ़ा के लीजिएगा 6.5 इंच। इसकी चौड़ाई 14 इंच, तो आप मार्जिन बढ़ा के लीजिएगा 15 इंच। इसकी लेंथ दोस्तों 7 इंच, फोल्ड करने के बाद इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 इंच ले लीजिएगा, यहाँ पे 2 इंच, तो इस निशान को इस निशान से मिला दीजिएगा। अब कटिंग कर लीजिएगा, 3 पट्टी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया, एक एक इंच की गैप रख के 2 इंच 2 पट्टी और कटिंग कर लिया है दोस्तों। देखिए ये 3 लेयर बन गया आपका, बीच में मैंने कटिंग कर दिया है ताकि पता चले यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है। आप निशान भी लगा सकते हो, इसका भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है बीच में ताकि पता चले दोस्तों यहाँ से ही सिलाई ये स्टार्ट करना है, यहाँ पे कैप को अटैच करना होता है। देखिए पहले तीनों पट्टी को सिलाई लगा लूँगी, उसका बाद अटैच करूँगी। तीनों पट्टी को सिलाई लगाने की तरीका आप देख लीजिए, देखिए बीच में से आप सिलाई लगाइएगा, एक इधर से एक इधर से, तो तीनों पट्टी को अटैच करने के बाद इसको ऊपर इसको अटैच कर दूँगी रख के, ये बीच में रख के दोस्तों इधर से एक सिलाई लगा लीजिएगा और उधर से एक सिलाई लगा लीजिएगा, ना तो गड़बड़ होगा। अब एक साइड से अगर सिलाई लगाओगे तो ये आपका बीच का सेंटर थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है दोस्तों, इसलिए बीच से ही आपको सिलाई लगाना सही रहेगा। अगर आपका बैलेंस सही है तो आप एक साइड से भी लगा सकते हो। बीच में इस तरह से एक सिलाई लगा लीजिएगा, पट्टी लगाने के बाद इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लीजिएगा, फिर इंची टेप की मदद से 10 इंच आपको छोड़ के आप इधर से सिलाई लगा लीजिएगा। अगर छोटा बच्चा का है तो दोस्तों 10 इंच, बड़ा के हो 10.5 11 तक आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं मोती से डेकोरेट कर दिया है फैब्रिक ग्लू से, आप सुई धागा की मदद से गोल मोती भी लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा दोस्तों। देखिए ये फैंसी हिजाब बन के तैयार है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।